मैं सुनील कुमार झा डीते सन्ने पार्क में रहता हूँ। मैं पिछले दो महीने से कई बार वीडियो बना के गुलाब सिंह एमएलए हैं और जेई साहब है सिन्हा जी, जो है रहीम खान और एक्शन है मिस्टर दहिया, तो कई बार वीडियो भेज चुका हूँ बना बना के, मैसेज कर चुका हूँ सर हम लोगों को निजात दिलाइए इस सीवर से जो प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है सर, जाम है। ठीक है, लेकिन आज आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये देखो हमारी माताजी इसी गंदगी के हिसाब से जो गिरी हैं, अब इनको देखो, ये देखो, ये माताजी कीचड़ हो रही है यहाँ पे। और क्या है, ये आप गिर गए यहाँ पे? ठीक है, अच्छा कर रहे हैं। नहीं, आइए सबको बुला लीजिए। माताजी फोटो नहीं खींच रहे हैं, ये सफाई के बारे में डाल रहे हैं सरकार को। आप ये बताओ, यहाँ ये जो अभी आप गिरे हो, ये किसकी वजह से? अपनी वजह से कि कीचड़ की वजह से? कीचड़ की वजह से। चिंता मत करो माताजी, इसका निजात होगा जल्दी। आप कहाँ से सर? नन्हे पारक सोम बाजार मटियाला विधानसभा से। हाँ, सोम बाजार की हालत जो 3-4 महीने से पूरा बिगड़ी हुई है। हाँ, ना कौंसलर, ना विधायक, ना एमएलए हमारे यहाँ कोई नहीं सुनता। अच्छा, क्या आपका सुनते हैं? सबकी मिली भगत वजह से जो हमारे यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा, चलता है, कोई गिर रही है। ये उत्तम नगर में क्या जगह का नाम है? ये नन्हे पारक सोम बाजार, नन्हे पारक है। मटियाला विधानसभा, ठीक है। ये आइए माता जी, एक मिनट आइए, इधर आइए। घर में पानी बचाना अभी बंद हो रही है, ये परेशानी है, शिवर बंद हो रहे हैं। हाँ हाँ, घर में भरा पानी, ठीक है। नहाने के लिए जगह नहीं है, 2 दिन होगा भी नहीं नहाए डोल रहे हैं। अच्छा, क्या करेंगे? ये देख लो, इसका हाल देख लो, यहाँ नन्हे पार्क की गलियों का हाल देख लो। हाँ, इधर इधर बात कर रहे हैं। हाँ जी, नालियाँ घर में, सारे घर में पानी भर रहा है सीवरों का। ये कितने दिन हो गया? 2-3 महीने। ये तो बहुत दिन से चल आया, तो करीब 2-3 महीने या महीने या 10 दिन? 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने हो गए। और क्या, हमने यहाँ से बंद कर रखा है, टब में भर भर का पानी फेंक रहे हैं, बर्तनों के धो धो के हम। अच्छा, बाल्टी और टब लगा रखे हैं घरों में। हाँ हाँ, किचन का पानी। ये देख लो, हमारी मतलब चाहे गवर्नमेंट कह लो, चाहे हमारे नेता कह लो, वोट मांगने के लिए तुरंत आएंगे और ये कहेंगे, वोट मांगने तुरंत आएंगे, ये पूरा नन्हे पारक इस समय बारिश में डूब रहा नहीं है, बल्कि यह सीवर के गंदे पानी से डूब रहा है। ये सीवर के गंदे पानी से डूब रहा है, जिससे कि यहाँ की पब्लिक इतना परेशान हो रही है कि वो अपने बच्चों को भी अकेला नहीं छोड़ती और वो गोद में लेके उन्हें जाती है। उस गली पे भी वहाँ चलते, वहाँ पानी भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है। हमारी गली में तो टट्टी निगन निकलेगी, हम बीमार पड़ गए और सर घन में टट्टी चल रही है। आए है, इतने परेशान है कि गटन में निकल निकल के बह रही है, गैस पेपर में भेज निकल। अच्छा, तो आप सबने कंप्लेन करी है किसी को? मेरी वगैरह करिए, वो आप तो टैंकर और 2 मिनट चलो का सामान तो भरगो और ले गए चले गए। अच्छा, सफाई नहीं होती सही से? सफाई है रही है कि टट्टी बह रही है गन्न में, सफाई कहाँ पे है रही है? चलिए, और गलिन में देखो तो, रोड पे देखो तो, ये हाल है। ठीक है, ठीक है ना जी। आगे पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ। अरे हमें भाई परेशान है, इधर आओ, इधर अभी अभी तुम्हें चैनल पे तुम्हारी फोटो आई, आओ आगे आओ, बताओ क्या क्या समस्या है? 15-20 दिन हो गए भाई साहब, हमारे 2 महीना हो गया, पानी इतना बह रहा है, लैट्रिन बदबू आ रही है, बहुत बुरी। निगम पार्षद को हमने कंप्लेंट कर ली, हमने उसको विधायक को कंप्लेंट कर ली, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ठीक है, गाड़ी आती है और चली जाती है, मतलब सफाई का हाल अच्छा नहीं है। बिल्कुल नहीं कर, सफाई का हाल अच्छा नहीं है, कोई कुछ नहीं कर, कोई कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ से है कौन विधायक? यहाँ से विधायक है गुलाब सिंह, निगम पार्षद है यहाँ पे रमेश मटियाला। रमेश मटियाला जी, वो तो काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मगर वो कहते हैं कि हम, मेरे हाथ में नहीं है ये सब, उसके पास जाओ गुलाब सिंह के पास। गुलाब सिंह के पास? हाँ, मतलब गुलाब सिंह और रमेश मटियाला वो भी दोनों आम आदमी की पार्टी के हैं और वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। दैट्स इट, ये देख लीजिए हाल। माता जी को बुला लो, बुला लो, बुला लो, कवरेज करने। अम्मा, अम्मा कहाँ कह रही हो? कह रही है गुजर कहे बच्चे हैं, उनको मार के राज्य
अम्मा आप तो इतना लग रहा है बहुत पुराने हो यहाँ से। बहुत पुराने सबसे पहले के बैठे हैं, सबसे पहले के ही हैं, सबसे पहले के खेतन में आके बैठे। और जो कॉलोनी है तलक नहीं समझ। कॉलोनी का नाम क्या है? नन्हे पार्क। नन्हे पार्क, ये उत्तम नगर रोड उत्तम। अच्छा, मटियाला विधानसभा। ठीक है अम्मा, मटियाला वालों की जगह है जी, ये मटियाला गाँव वालों की जगह। लेकिन वो तो आपने परचेज कर ली ना, आपने उसको तो खरीद लिया। ठीक है अम्मा, ठीक है, ठीक है अम्मा, कवर करते हैं। ये देख लो, आज मैं इसी गंदगी में चल रहा हूँ। मेरे को लग रहा है आई थिंक जाके मुझे नहाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी गंदगी के मैं चलने के बाद कोई अपने घर में घुसेगा नहीं, वो यही कहेगा कि नहाया जाए। ये सीवर का हाल है हमारी, ये सीवर का हाल है। अब ये देख लो कि सीवर में हाल में क्या किया जाए। अब ये देखो, ये बच्चा जा रहा है फ्रूट लेके, सब्जी लेके। ये देख लो गंदगी भरा पड़ा है, इधर की गंदगी देखो, सब फूल है। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो भैया? दो तीन दिन पहले आते हैं, पूरा सीवर का गंदगी ऐसे ही बह रहा था बाहर। नाक बीच के जा रहे हैं, पैर गंदे हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो जाएंगे, उनका जाना नहीं है। ठीक है, हमें पड़ता है। लेकिन इस बार ऐसे बंदे को जिताया जाए जो आप सबके यहाँ का हल निकाला जाए। ये देख लो, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट का भी ये हाल है कि लाइट नहीं है। और ये मैं बाइक से रोशनी देख रहा हूँ, जिससे कि मैं पूरी वीडियो कवर कर सकूँ। लाइट तक नहीं है, स्ट्रीट लाइट देख सकते हैं आप कहीं कहीं। ये देखिए गंदगी का हाल। ये मैं अपने साथ एक सपोर्टिंग हैं जो हमारे भाई साहब हैं, ये बाइक से लाइट दिखा रहे हैं, जिससे कि मैं इस वीडियो को कवर कर रहा हूँ। ये देख लो, ऐसा लगता है कि यहाँ पे मछली पालन खोल लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी मछलियां नहीं रहेंगी, क्योंकि गंदगी इतनी है तो मछलियां कहाँ रहेंगी। अगर खंभे खराब हो जाए तो महीने महीने बंद रहते हैं, कोई मतलब नहीं होता कि अगर लाइट भी कर जाए। ये देखिए सीवर का, ये देखिए गंदगी, ये पूरा भरा हुआ है। ये देखो, ये है गंदगी, इसको कहते हैं गंदगी। गुलाब सिंह को भी बोला नहीं सुनाई करता, रमेश जी को बोला नहीं सुनाई करता, जीआई को बोला नहीं सुनाई करता। यहाँ देखिए कितना, ये देखो हमारे भाई साहब कितने परेशान हो रहे हैं। और ये देखो, ये ईंट रख के अभी अपने घर की तरफ जा रहे हैं, जिनको अपने घर में जाने के लिए भी सोचना पड़ता है कि घर में जाऊं कि ना जाऊं। सुबह बच्चे स्लिप होते हैं, गिर जाते हैं। सुबह बच्चे स्लिप होते हैं, गिर जाते हैं। इनका ये मेरा घर है, बहुत अच्छा जगह है भाई साहब, इसलिए दिला दो। ये मेरा मकान है, ये गंदगी है। मैं ये गंदगी के सामने ही एक अपने बुजुर्ग अंकल जी को पता कर रहा हूँ। अब मैं इनसे बात करना चाह रहा हूँ। देखो, ये माता जी ने देखो अपने बच्चे को लाने के लिए कितनी परेशानी पैदा कर दी। ये देखो, यहाँ पे देखो माता जी कितना परेशान हो रही है, और हमारी सरकार का कोई पता ही नहीं है, हमारे यहाँ के विधायक का नहीं पता, हमारे यहाँ का बंदों का नहीं पता कि कौन सफाई करेगा। बाकी तो बात छोड़ो, अब वो जिन्होंने यहाँ पे विधानसभा जीती है या कुछ किया है, उन्होंने ये हाल किया है हमारा। ये कहते हैं कि यहाँ डेंगू हो गया, वहाँ जाओ तो कहते हैं कैंसर हो गया। अब ये सफाई कर रहे हैं, देख लीजिए आप। ये सफाई का आलम है, यहाँ पर जो दिल्ली जल बोर्ड के जय जो सीना साहब है ना, कम से कम 25 दिन से लगातार लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। कोई पार्षद कहता है, एमएलए कहता है हमारा काम नहीं है, उसको बोलेंगे, इसको कहेंगे, पानी निकालेंगे, हाथ चला जाता है। चार बजे दैया को फोन किया है, मिस्टर दैया को मेल करी है, मिस्टर खान को मेल करी है, जेडी साहब को करी है, मीना जी को करी है, और सीना साहब तो कोई सुन के राजी नहीं है। आरटीआर लगा चुके हैं, यहाँ पर दुनिया भर की हम बातें लगा चुके हैं, लेकिन राजी नहीं है। यहाँ पर इतनी बदबू में लोग बीमारियां फैल रही है, लोग मर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ डॉक्टर के पास, ये बाजार ई ब्लॉक का, नन्हे पार्क का, ये हाल है यहाँ पर। हर आदमी परेशान है इससे, हर आदमी परेशान है। अभी स्लिप हो जाती है, सुबह बच्चा यूनिफॉर्म पहन के जाता है, स्कूल से बाहर निकाल देता है। ये सबसे बड़ा हाल जो किया यहाँ पर इस एरिया के सीना साहब ने किया हुआ है, जो कि दिल्ली जल बोर्ड के जेडी है, यही साहब है, यही एरिया का। तो गुलाब सिंह है, सिवर लाइन हमें नहीं चाहिए, यही
इस सीवर लाइन को डेड करके नई सीवर लाइन डलवाओ।